हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप। अंकिता किचन्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले आंवले का मुरब्बा। आंवले में विटामिन सी और आयरन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक है। आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए आंवले को पहले अच्छे से 2-3 पानी से अच्छे से धुल लें, और फिर धुलने के बाद इसे 2 से 4 घंटों के लिए भिगो दें। भिगोने के बाद हमने इसे अच्छे से गूंथ लिया है, आपने देखा है ना। ऐसे ऐसे ही आप किसी चम्मच से आप इससे या किसी भी नुकीले चीज़ से अच्छे से इसे गोद लें। हमने इसे गोद लिया और इसे अच्छे से धुल के 2-3 पानी अच्छे से धुल लें और फिर इसे भिगो दें। और भिगोने के लिए आप पानी इतना डालें जिससे आंवला अच्छे से भिगो जाए इसमें। और पानी में आप चूना या थोड़ा सा फिटकरी, आपके पास जो भी हो, आप थोड़ा सा डाल के इसे भिगो दें, ताकि इसके अंदर का जो कांस बना रहता है, यानी जो कड़वा लगता है, वो चीज़ ख़त्म हो जाता है। चूने के पानी में हमने ओवरनाइट भिगोने के बाद हमने इसे अच्छे से धुल लिया है। और धुलने के बाद आपको ऐसा करना है, किसी ऐसे बर्तन में डालो जिससे ये थोड़ा सूख जाए, मतलब इसके अंदर जो पानी है वो ना रहे। और चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने सारे प्रोसेस कर लिए हैं। और आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए हम इसमें चीनी डाल देंगे। 1 किलो आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए हमें 1.5 kg चीनी चाहिए। चीनी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हमने 1 kg आंवला बनाने के लिए इतना चीनी ले लिया है। अब इसमें 1 कप पानी डाल देंगे। हम पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा, फिर आपको बाद में ज़्यादा सुखाना पड़ेगा, इसलिए आप कम पानी डालें। और हमने 1 कप पानी डाल दिया है। अब पानी डालने के बाद ऐसे चलाते हुए इसे पिघला देंगे, ताकि चीनी हल्की सी मेल्ट हो जाए। चलाते हुए मेल्ट करेंगे और आप देख सकते हैं हल्का हल्का चीनी भी मेल्ट होने लगा है, थोड़ी बहुत नीचे बची है। और अब हम अपने आंवले को इसमें डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम ही कर देंगे और सबको ऐसे ही इसमें डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखें और बीच बीच में इसे चलाते रहें। आंवला बहुत ही फायदेमंद होता है, अधिकतर लोग इसे ठंडियों में ही खाते हैं, लेकिन आप इसे किसी भी मौसम में खाएं, आपको उतना ही फ़ायदा करेगा। आँखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और आप थोड़े थोड़े देर पर इसे ऐसे चलाते रहें, ताकि चीनी हमारे बर्तन के तले में ना पकड़े, और इसे ऐसे ही उबलने दें। हमने इसे चलाते हुए 8 से 10 मिनट तक अच्छे से पका लिया था। अब ऐसे ही आप देख सकते हैं कलर भी इसका अच्छा बदलने लगा है। और ऐसे ही करते हुए 4 से 5 मिनट हम इसे और चला लेंगे। आंवला हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसे रोज़ाना ही खाने से आँखों की दिक्कत नहीं होती। ऐसे ही चलाते हुए इसे 4 से 5 मिनट और पका लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे आंवले का मुरब्बा बन के रेडी हो गया है, कलर भी चेंज हो गया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे काली मिर्च। काली मिर्च ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, और नहीं डालना तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। और फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे, क्योंकि किसी भी बर्तन में निकालने से ये टूटने का ज़्यादा डर होता है। अब कांच में तो बिल्कुल नहीं निकालेंगे, जब तक ठंडा नहीं हो जाता इसी में छोड़ देंगे। इसे ठंडा होने के बाद हम इसे कांच या किसी भी बाउल में निकाल के रख सकते हैं। आप देख सकते हैं आंवले का मुरब्बा बिल्कुल ठंडा हो गया है। और अब चलिए सर्व करने के लिए एक बाउल में से निकाल ले रहे हैं। हमारा आंवले का मुरब्बा बन के रेडी हो गया है। इसे 1 साल तक आसानी से रख के खाया जा सकता है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। आने वाले वीडियोज़ को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बाय बाय।